बलिया पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 किलो हेरोइन के साथ 2 अवैध असलहा, 4 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। तस्करों के पास से बरामद की गई हेरोइन की कीमत बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। दिनांक 26/4/19 को थाना नरही अंतर्गत भरौली गोलाम्बर के पास से रात्रि 8:15 बजे प्रभारी निरीक्षक नरही, स्वाट टीम प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी व परिक्षेत्रीय टीम के द्वारा 2 लोगों को रोका गया। उन्हें चेक किया गया। उन लोगों के पास से 1 अदद कट्टा बरामद हुआ तथा साथ ही 1 किलो नाजायज अवैध मादक द्रव्य हेरोइन बरामद हुई। वहीं बांदा में पुलिस ने 25 ग्राम स्मैक के साथ 2 महिलाओं और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय चौकी क्षेत्र का है, जहां गश्त के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को संदिग्ध अवस्था में देखा, जिसके बाद जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली तो इनके पास से करीब 10 लाख की कीमत के स्मैक बरामद हुई। नगर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग को गिरफ्तार करके उनके पास से 95 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और इसमें 3 मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। यह हैं कालीचरण निषाद, श्रीमती कल्ली प्रजापति और श्रीमती गीता। ये सभी आपके कोतवाली नगर कनवारा क्योटरा के रहने वाले हैं और इनसे 10 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस स्मैक की कीमत है, ये बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है और उनके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश और बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।